हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एग्जाम यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का जो एग्जाम हुआ है 20 अगस्त को, उसको हम पूरा का पूरा डिस्कस करने वाले हैं 80 क्वेश्चंस। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें शुरू से लेकर एंड तक। आई होप कि आप हो सकता है पहले कोई और चैनल पर डिस्कशन देख चुके हो, लेकिन हो सकता है आपको अलग अलग क्वेश्चंस के अलग अलग आंसर बताए गए हों, लेकिन हम इस चैनल पर और इस वीडियो में रिसर्च के साथ एकदम सही सही आंसर आपके लिए बताएंगे। जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वही आपको बताया जाएगा। तो पूरा वीडियो देखिए शुरू से लेकर एंड तक, हर एक क्वेश्चन का आपके लिए सॉल्यूशन भी मिलेगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया, 2.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर वाली धातु से बनी 4 मीटर लंबाई 10 mm व्यास की एल्युमिनियम की छड़ की अनुमानित लागत बताना है, जिसकी कीमत है 400 रुपये प्रति किलोग्राम। तो यहाँ पर देखिए यूनिट का खेल है, यूनिट अलग अलग है, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज हुए हैं और ए ऑप्शन को लगाकर आए हैं। लेकिन यहाँ पर जो आंसर निकल के आ रहा है वो आ रहा है 314। देखिए कैसे निकल के आ रहा है वो मैं आपके लिए यहाँ पर बता देता हूँ सॉल्यूशन के साथ। जैसे कि देखिए सबसे पहले आपको डेंसिटी का फॉर्मूला आना चाहिए। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन। आपके लिए सबसे पहले द्रव्यमान निकालना होगा, जैसे ही द्रव्यमान आएगा बेटा आएगा उसके बाद आपको 400 को मल्टीप्लाई करना होगा, देन आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पर जब हम मास का यहाँ पर फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी बटे वॉल्यूम, यहाँ पर डेंसिटी एंटी वॉल्यूम हो जाएगा यहाँ पर, यानी घनत्व इंटू आयतन हो जाएगा। तो हम सबसे पहले आयतन निकाल लेते हैं। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन के पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसमें हम मान रख देंगे। अब इसमें जैसे मान रखेंगे तो 22/7 यहाँ पर होगा, और हम इसको सबको mm में पहले कर लेते हैं, इसके बाद हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे इसके लिए, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि हमारा जो डेंसिटी है वो ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पर हम जब यहाँ पर व्यास दिया है 10 mm, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, 5 का कितना हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, सो 5 हम फिर लिख देते हैं। यहाँ पर 4 का हो जाएगा 4000 mm हो जाएगा, ठीक है, 4000 mm हो जाएगा। जब आप इन सबका मल्टीप्लाई यहाँ पर करोगे, तो आप जब सब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आपके यहाँ पर निकल के आएगा 31, 42 और यहाँ पर 8.571, ये आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये निकल के आ जाएगा। अब ये अपना क्या आ गया mm में आ गया, ठीक है, आयतन घन मिलीमीटर आ गया। इसको आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर आपका दो अंक बाद फिर से दशमलव लग जाएगा, क्योंकि इसमें 100 का भाग दे देंगे। हमारा 31, 42.85 निकल के आएगा, कितना आएगा 31, 42.85, ये हमारा निकल के आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, ये अपना निकल के आ गया आयतन। आयतन में हम किसका इंटू करना है, हमको डेंसिटी का। डेंसिटी कितनी दी गई है, 2.5 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 785.71। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने ये निकाला और ए ऑप्शन में करेक्ट करके आ गया, बट जब एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है तो इसी प्रकार से बनाता है कि जो स्टूडेंट एग्जाम देने वाला है वो कन्फ्यूज है, वो ए ऑप्शन में ही वो आंसर रखेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट ए करेक्ट करके आ गया, लेकिन ए इनकरेक्ट है। यहाँ पर देखिए इतना निकल के आ गया, इतना आपका आ गया, ये ग्राम में अभी आया है, ग्राम में, ठीक है। इसके बाद आपको इसको किलोग्राम में बनाना है। किलोग्राम में बनाने के लिए आपके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, देखिए यहाँ पर कितना निकल के आया था अपना 785.71। अभी अपना इतना निकल के आया, इसमें अपन 400 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 400 प्रति किलोग्राम है, 400 ये अपना ग्राम निकल के आया। 400 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 314 और यहाँ पर आएगा 2800, यहाँ पर इतना निकल के आएगा, ठीक है। यहाँ पर अपना दो अंक बाद दशमलव लग जाएगा, क्योंकि दो अंक बाद दशमलव लगा। इसके बाद ग्राम में निकल के आया, इसके बाद आपको यहाँ पर किलोग्राम में जब निकालोगे यहाँ पर, तो इतना निकल के आएगा 314.28, ये अपना निकल के यहाँ पर आएगा। तो अपना 314.28 नहीं है, लेकिन 314 दिया गया ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा अगर आप इस प्रोसेस से करते हो तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बोला जा रहा है, BOM या सामग्री सूची प्रदान करता है, बिल ऑफ मटेरियल। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, किसी समुच में उपयोग किया जा रहा है कच्चे माल का आकार, किसी समुच के निर्माण में प्रयुक्त भागों की सूची, और यहाँ पर है कॉस्ट ऑफ पार्ट दैट गोज इनटू एन असेंबली, और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। देखिए यहाँ पर है साइज ऑफ रॉ मटेरियल बीइंग यूज्ड इन असेंबली, जो असेंबली में साइज है उसके बारे में बताता है। तो अगर आप निमी की बुक में इसको देखोगे तो यहाँ पर जो बिल ऑफ मटेरियल निमी की बुक में नहीं मिलेगा आपको, ये मिलेगा निमी के WCS में, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में, तो उसमें आपको आंसर मिलेगा सी। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मटेरियल द गोज इनटू एन असेंबली, ऑप्शन नंबर सी उसमें दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑल ऑफ दीज इनकरेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा, किसी पदार्थ की तन्य शक्ति निम्नलिखित में से किस इकाई में व्यक्त की जाती है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घूर्णन के दौरान कर्तन औजार की अंतर्वेशन गिरावे कहते हैं, यानी कि एक जो रोटेशन है उसके दौरान जितना भी धातु के अंदर हमारा टूल जाता है उसको हम क्या कहते हैं, तो फीड कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 250 mm लंबे साइन बार का उपयोग करके 30 डिग्री कोण को मापने के लिए स्लिप गेज ब्लॉक की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो साइन बार यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या होता है, आपको यहाँ पर दिया गया साइन 30 डिग्री बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, और आपको लंब निकालना है। लंब क्या होता है, ऊंचाई होती है स्लिप गेज की, कर्ण होता है साइन बार की लंबाई। यहाँ पर कर्ण कितना दिया गया है आपको, 250 दिया गया है, ठीक है। 200 काट दो तो कितना, 125 निकल के आ जाएगा ना, एल अपना 125 निकल के
आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक वेल्डिंग के बारे में। तो टिक वेल्डिंग का उपयोग, टिक वेल्डिंग कौन सी गैस का उपयोग करते हैं, एक अक्री गैस का उपयोग करते हैं। यहाँ पर ऑर्गन आपको आर्गन आपको मिल जाती है, आर्गन यहाँ पर एक अक्री गैस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी अदृश्य बेल्ट उसकी यानी कि अंडर इनविजिबल बेल्ट डिफेक्ट के अंतर्गत आता है। तो स्वेटर आपका इनविजिबल नहीं है, विजिबल है, स्टेक विजिबल है, अंडरकट विजिबल है, लेकिन पोरोसिटी जो होती है वो इनविजिबल है, क्योंकि ये जो जो भी हमारा जॉब जॉब होता है वेल्डेड जॉब जिस पर हम वेल्डिंग करते हैं तो उसके अंदर ही बनता है पोरोसिटी। जो अंदर गैसेस रह जाती हैं वो गैसेस बाहर निकलती है तो पोरोसिटी का दोष वहाँ पर बन जाता है, हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग विद्युत विसर्जन मशीनिंग के लिए इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। यहाँ पर मुझे बोला गया इलेक्ट्रोड, यहाँ पर इलेक्ट्रोड बताना, इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज मशीनिंग के बारे में, ईडीएम। ईडीएम मशीन का ये जो क्वेश्चन है, देखिए मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको बताया है कि 5-10 क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में, चाहे आपका बार के एनपीसीएल डीआरडीओ या इसरो कोई भी हो, डिप्लोमा लेवल के डालता है आपके, ना तो निमी की बुक में है ना कुछ किसी बुक में, आईटी लेवल में इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीन के बारे में कोई चैप्टर नहीं है। ये आपका डिप्लोमा लेवल का है और जेई के पेपर में इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग का क्वेश्चन आता है, जो कि जेई लेवल के क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पर इंजीनियर लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर दिया गया, उसी का ये यहाँ पर क्वेश्चन डालते हैं। तो ये समझिए डिप्लोमा लेवल का क्वेश्चन है, अगर आप सर्च करोगे तो गूगल पे यहाँ पर डिप्लोमा लेवल के जो क्वेश्चन पेपर उनमें मिल जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग है, उसमें हम करते हैं सबसे पहले ग्रेफाइट का और ब्रास का, कॉपर का, ये मतलब 6-7 जो मेटल है उनका हम प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रोड के रूप में। देखिए सबसे पहले समझिएगा इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीन के बारे में, जब आप पढ़ोगे तो एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, उससे हम जो भी हमारा मटेरियल होता है उसको रिमूव करते हैं। तो इसमें ऐसी ही कोई रॉड यूज करेंगे जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से प्रवाह हो सके। तो यहाँ पर आपको ब्रास एंड कॉपर मिल जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर फिगर मैं आपको अगर दिखाऊँ इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीन का, तो यहाँ पर देखिएगा, मैं दिखाता हूँ आपके लिए फिगर। यहाँ पर देखिएगा ये है इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग का पूरा कंसेप्ट। यहाँ पर देखिए ये है डाई इलेक्ट्रिक यहाँ पर फ्लूड भरा हुआ है, ये आपका इलेक्ट्रोड है, और ये है यहाँ पर फ्लेशिंग नोजल, ठीक है। यहाँ पर एक फिल्टर लगा हुआ, यहाँ पर पंप लगा हुआ है, यहाँ पर आपका ये जो भी जॉब है जिस पर हम मशीनिंग कर रहे हैं, यहाँ पर एक कटिंग प्रोसेस होती है टैंक होगा, टैंक के अंदर इसकी इसमें कुछ यहाँ पर गैप, देखिए यहाँ पर गैप बताया गया ना, यहाँ पर एक यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप देखोगे तो गैप है, यहाँ पर स्पार्क गैप, स्पार्क यानी कि थोड़ा सा गैप होता है, स्पार्क से एक कटिंग होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है वो किस धातु का बना हुआ है वो आपसे पूछा गया था, ये वाला मैंने बताया आपके लिए कि ब्रास एंड कॉपर वहाँ पर राइट आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा, ब्रास एंड कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन है M16 × 1.5 का बोल्ट तैयार करने के लिए निरंक आकार, यानी कि आपको ब्लैंक साइज बताना है डाई का, यहाँ पर कितना हो जाता है P/10। तो उसमें पिच कितनी दी गई है आपकी 1.5, जब आप 10 का भाग दोगे यहाँ पर तो एक जीरो यहाँ पर मतलब दशमलव लग जाएगा, 0.5 आ जाएगा। जब आप 16 में से 0.5 घटाओ तो कितना निकल गया आएगा, 15.85 आपका निकल गया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर सीलिंग पर्पज इन अ प्रेशर कुकर। तो आपका ये सीलिंग कोई नया क्वेश्चन नहीं है, अगर आपने निमी का या रॉयल का नया बुक पढ़ा है जो कि उसमें न्यूमेटिक का क्वेश्चन और सीलिंग का एक अलग से चैप्टर दिया गया है, तो उसमें दिया गया ये क्वेश्चन। तो हम किसी भी मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें सीलिंग की ज़रूरत है, चाहे आपका कोई मशीन हो, मशीन का रिजर्वायर टैंक हो, वहाँ पर हम गैसकेट का यूज़ करते हैं, चाहे आपका इंजन हो, कुछ भी हो, यहाँ पर सीलिंग को रोकने के लिए गैसकेट का यूज़ करते हैं। यहाँ पर प्रेशर कुकर के बारे में बताया गया, ये जनरली हर एक घर में यूज होता है और आपके लिए पता होगा, यहाँ पर गैसकेट यूज हो जाएगा, ना ही सेफ्टी वाल होगा, ना ही लॉक स्क्रू होगा, ना ही लॉक नट होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, गैसकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांस्य के प्रमुख मिश्र धातु तत्वों में से एक है। देखिए ब्रॉन्ज का यहाँ पर आपसे कंपोजिशन पूछा गया, तो आपका ब्रॉन्ज में एक कॉपर होता है, दूसरा आपका टिन होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर, आग के जलने के लिए 3 कारक होते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो ईंधन आपके लिए चाहिए, हीट आपके लिए चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और ऑल ऑफ दीज इस पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तीनों मिलकर आपका निर्माण करते हैं। यहाँ पर है 5-40 mm व्यास और ग्रेड ए के बीच के कार्यखंड को क्लेम करने में सक्षम, 100 mm लंबे नाममात्र विलोक के किस रूप में, यानी कि इसकी स्पेसिफिकेशन बताना है। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अगर डिस्कस किया उसमें दिया गया है, यहाँ पर लंबाई 50 दी गई है और उसमें ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है अलग तरीके से यहाँ पर डेफिनेशन को लिखा गया है ताकि स्टूडेंट कन्फ्यूज हो। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम लंबाई को रिप्रेजेंट करते हैं, देन उसके बाद जितना उसका साइज है उसके बाद उसको रिप्रेजेंट करते हैं, 5 से 40 को पकड़ सकता है, ठीक है। तो 5 से 40 हो जाएगा, उसके बाद उसका ग्रेड आ जाएगा ए, उसके बाद उसका आईएस नंबर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा 100, यहाँ पर 100 दिया तो 100 हो जाएगा, वैसे 50 दिया रहता है, जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें 50 दिया गया, तो 50 आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद लंबाई, देन उसका साइज कितने से कितना पकड़ रहा है, ग्रेड, इसके बाद आपका आईएस नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, किस यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन इज यूज फॉर, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन किस में यूज होती है, हार्डनेस चेक करने के लिए, या सरफेस टफनेस चेक करने के लिए, टेम्परेचर चेक करने के लिए, या टेंसल स्ट्रेंथ चेक करने के लिए। तो जो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होती है उसका यूज करते हैं हम टेंसल स्ट्रेंथ एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, घिसाई वाले पहिए की पहचान में ग्रैंड साइज ऑफ 54 इंडिकेटेड इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इम्प्लाइज इम्पाइल्स दैट द ग्रेन साइज इज। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका ग्राइंडिंग व्हील होता है उसमें ग्रेन साइज ग्रेट साइज होता है। तो ग्रेन साइज आपका 54 है, ये कौन सी कैटेगरी में आता है ये आपके लिए बताना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट फाइन लगा के आए हैं लेकिन 54 नहीं, 60 तक, अगर 60 भी है ना तो 60 भी आपका मीडियम में आता है। 54 60, आपने पूरी सारणी पढ़ी होगी, 54 के बाद 60 दिया गया, तो आपका 60 तक मीडियम ग्रेन साइज में आता है, तो मीडियम इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन बार के बारे में बताएगा, यूज ऑफ साइन बार, साइन बार का यूज किया तो टेपर जॉब के कोण को मापने के लिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है, स्टड निष्कासन के का उपयोग किसके लिए किया जाता है, स्टड एक्सट्रैक्टर, स्टड एक्सट्रैक्टर का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, तो स्टड जो एक्सट्रैक्टर होता है उसको हम रिमूविंग ब्रोकन पार्ट या रिमूविंग की थ्रेड रिमूवल, यहाँ पर टूटी हुई शू को हटाने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर, एक डिग्री में कितने आर्क सेकंड होते हैं, तो एक डिग्री में 3600 सेकंड होते हैं। देखिए, एक डिग्री में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकंड, तो 3600 सेकंड हो जाएंगे ना, सेकंड के बारे में यहाँ पर पूछा गया, 3600 सेकंड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन द लोड इज एक्टिंग पैरेलल टू बियरिंग एक्सिस विच ऑफ द फॉलोइंग बियरिंग इज यूज, कोई नया क्वेश्चन नहीं है आपकी बुक में, बिल्कुल दिया गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार इसको में आया एंड अदर डिपार्टमेंट भी ये क्वेश्चन आया है। जब भी बियरिंग एक्सिस की पैरेलल भार लगता है उसे हम थ्रस्ट लोड कहते हैं, वहाँ पर थ्रस्ट बियरिंग का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, अगर एक्सिस की लंबत लगता है तो वहाँ पर जनरल लोड जनरल बियरिंग का यूज करते हैं। और जैसे कि ये शाफ्ट है, यहाँ पर ये शाफ्ट है, देखिए ये आपकी शाफ्ट है, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर एक बियरिंग लगी हुई है, बियरिंग के ऐसे ऊपर से लोड लग रहा है तो उसको रेडियल लोड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, द फर्स्ट फिगर ऑफ अ फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी क्लास 12.9 इंडिकेटेड। तो यहाँ पर जो 12 है, 12 का उदाहरण यहाँ पर दिया गया, इसको 12 क्या बता रहा है ये आपके लिए बताना है। तो आपने अगर निमी की बुक पढ़ा है तो उसमें यही दिया गया है, 12.9 दिया गया, ये अच्छे से आपने पढ़ा होगा तो सब कुछ आपके लिए पता होगा। टेंसल स्ट्रेंथ 100 भाग होता है, एक बटे 100, इसकी यील्ड स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, 9 है तो 9 हम 90% निकाल देंगे, 8 होगा तो 80% निकाल देंगे। यहाँ पर जब जो 12 है ये यहाँ पर दिया गया, देखिए यहाँ पर इस पर लिखा गया है ऑफ 1/100 ऑफ द नॉमिनल टेंसल स्ट्रेंथ ऑफ द फास्टनर मटेरियल, बंधक सामग्री की अपेक्ष तन शक्ति को व्यक्त करता है, तो बिल्कुल सही है, तन शक्ति को व्यक्त करता है 12 आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा पट्टा चालन है जिसमें चालक घिरनी उचलित घिरनी विपरीत दिशाओं में घूर्णन करती है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्रॉस बेल्ट ड्राइव हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आपका है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लैंप शो इन द फिगर, जो क्लैंप आपका है ये दिया गया है, तो ये है आपका गाउज नेक, गाउज नेक क्लैंप है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट परसेंट राइट हो जाएगा, 100% सही उत्तर है आपका बी, गाउज नेक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन वेल्डिंग ऑपरेशन में, टोंग्स का यूज होता है, बार ब्रश का यूज होता है, चिपिंग हैमर का यूज होता है, लेकिन ब्लेड का यूज नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इज एन असेंबली द होल डायमेंशन इज स्पेसिफाइड बाय डाया 25.25 प्लस माइनस 0.2, जिसने अगर ए लिमिट फिट टॉलरेंस को अच्छे से क्लियर नहीं तो वो यहाँ पर कंफ्यूज हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ डायमेंशन अलग से दी गई है, जो पहले डायमेंशन दी जाती थी वो ओनली 20 या 25 या 24 ऐसे दी रहती थी, लेकिन पॉइंट में यहाँ पर देखिए कन्फ्यूज कर दिया है, कुछ स्टूडेंट यहाँ पर कन्फ्यूज हो भी गए होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, बहुत अच्छे से समझना है, यहाँ पर ये आपका हॉल का साइज दिया गया, यहाँ पर शाफ्ट का साइज दिया गया, मैक्सिमम क्लियरेंस आपके लिए बताना, तो मैक्सिमम क्लियरेंस क्या होता है, हॉल का अपर लिमिट और साइज का लोअर लिमिट को अगर आप अंतर निकालोगे तो आपका मैक्सिमम क्लियरेंस निकल के आएगा। यहाँ पर हॉल का साइज अपन को कितना दिया गया, 25.5 और प्लस में यहाँ पर अपन को अपर लिमिट निकालना है तो 0.2 कर देंगे तो अपन निकल के आएगा 25.7, तो हॉल का निकल के आएगा, साफ्ट का आपको निकालना है लोअर लिमिट, तो यहाँ पर लोअर साइज आएगा 25.5 में से जब 0.1 बन जाएगा तो यहाँ पर आएगा 25.4, यहाँ पर जब 25.7 में से 25.4 जाएगा तो यहाँ पर निकल के आएगा 0.3, ये आपका आ जाएगा मैक्सिमम क्लियरेंस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर है, षटकोणीय सॉकेट शीर्ष कैप स्क्रू की पृष्ठ सुरक्षा के लिए आमतौर पर कौन सी प्लेटिंग दी जाती है। तो यहाँ पर आपका हेक्सागोनल सॉकेट हेड स्क्रू, ये भी आपका क्वेश्चन है जो वो डिप्लोमा लेवल का है, इंजीनियर लेवल का, जेई के पेपर में आता है ये क्वेश्चन भी, ये भी आपको आईटीआई के लेवल का क्वेश्चन नहीं है, आईटीआई की बुक में किसी में नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, सॉकेट हेड स्क्रू के बारे में मिलेगा, लेकिन ये लेपिंग एक्स्ट्रा जो डीपली जो इन्फॉर्मेशन वो आपको आईटीआई की बुक में नहीं मिलेगी किसी बुक में भी। यहाँ पर तो इसका जो लेपिंग करते हैं हम वो करते हैं
डाइसल्फाइड की जनरली, लेकिन डाइसल्फाइड यहाँ पर, मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पर सिल्वर की हम चांदी की लेपिंग बिल्कुल भी नहीं करते हैं, एल्यूमिनियम की लेपिंग बिल्कुल भी नहीं करते हैं, यहाँ पर हम कैडमियम की लेपिंग कर लेते हैं। जब यहाँ पर अगर मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड यहाँ पर ऑप्शन होता है तो हमारा मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड की जनरली बहुत ज़्यादा यहाँ पर लेपिंग की जाती है। अगर मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, कैडमियम की हम लेपिंग करते हैं, सिल्वर की लेपिंग बिल्कुल नहीं करते हैं। आप खुद दिमाग लगाइए कि जो हेक्सागोनल सॉकेट हेड स्क्रू है उस पर हम चांदी की लेपिंग करेंगे, इतनी महंगी उस पर लेपिंग करेंगे, कहीं भी आप पढ़ लीजिए चांदी की लेपिंग सिल्वर की लेपिंग कहीं नहीं दी गई है। ऑप्शन नंबर बी इज द 100% राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर, रैचर ड्रिलिंग मशीन इज यूज इन, यहाँ पर रैचर ड्रिलिंग मशीन का यूज कहाँ करते हैं, जहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, विद्युत नहीं होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत विहीन क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी 31 नंबर का, एक चूड़ी काट प्रचलन में अंत छेद को टैप करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला टैप, एक बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, आपने अगर पढ़ा होगा, अगर आपने पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए हैं तो उसमें कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि ब्लाइंड होल में टैपिंग करने के लिए किस टैप का यूज करते हैं, जो थर्ड टैप होता है, थर्ड टैप का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें टैपर चूड़ी नहीं होती है और हमारे लोगों गहराई तक जो है उसमें टैपिंग हो जाती है, यहाँ पर बॉटमिंग टैप यानी कि डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर का, नट को लॉक करने के लिए किस प्रकार के वाशर का यूज करते हैं, उसे मुड़कर युवाकार बनाया जाता है, वो कौन सा वाशर है जिसे मुड़कर युवाकार बनाते हैं और लॉकिंग प्रोसेस में उसका यूज करते हैं, तो यहाँ पर प्लैन वाशर इनकरेक्ट हो जाएगा, कॉनिकल वाशर इनकरेक्ट हो जाएगा, आपका स्प्रिंग वाशर इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता कि टैप वाशर ऑप्शन में नहीं होता तो आपका स्प्रिंग वाशर यूज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन युवाकार मुड़कर बनाना यहाँ पर, जैसे कि ये यहाँ पर हम कोई लॉकिंग डिवाइस यूज कर रहे हैं साइड में, यहाँ पर एक नट लगा हुआ है, यहाँ पर टैप वाशर लगाएंगे, यहाँ पर मुड़कर हम युवाकार बना देंगे और साइड में उसको मोड़ देंगे, तो हमारा जो नट है वो लॉक हो जाएगा, यानी कि ढीला नहीं हो पाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, टैप वाशर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर का आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर देखिए रिवेट्स जिन्हें उन जोड़ों में स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है जो केवल एक तरफ से अभिगमन है उन्हें क्या कहते हैं। रिवेट को अपन ने, अगर आपने पढ़ा है तो बहुत सारे पढ़ने वाले स्टूडेंट भी इसको इनकरेक्ट करके आए होंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा घुमाया गया है और थोड़ा सा माइंड लगा के इसमें क्वेश्चन का आंसर देना था आपके लिए। यहाँ पर देखिए उसमें उन्होंने बोला है कि रिवेट्स विच आर डेजिग्नेटेड टू अलाउ देम टू बी इंस्टॉल्ड इन जॉइंट्स विच आर एक्सेसिबल फ्रॉम वन साइड ओनली आर कॉल्ड। यहाँ पर जैसे अपन अब रिवेट जब करते हैं तो उसमें टू साइड आपका हेड होता है कि नहीं होता है, यहाँ पर भी आपका हेड होता है, नीचे भी होता है और ऊपर भी आपका हेड होता है, लेकिन इसे वन साइड बोला गया तो यहाँ पर सेमी ट्यूबुलर रिवेट इनकरेक्ट हो जाएगा, पॉप रिवेट आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पॉप रिवेट जो होती है उसको हम पॉप रिवेटर से उसमें यूज करते हैं, जो भी हमारा हॉल होता है उसमें हम रिवेट को डालते हैं और पॉप रिवेटर से हम ऊपर से उसका हेड बन जाता है, नीचे उसका हेड नहीं होता, ऊपर से वो लॉक हो जाती है, इस प्रकार से पॉप रिवेटर होता है उसमें रिवेट को डाल के लॉक कर देते हैं, पॉप रिवेटर इज द राइट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बफ्रिकेटेड जो रिवेट होती है, आप अगर जूता आपने पहना है, जूता पहनते होंगे जनरली, उसमें जो फीते डले होते हैं, फीते वाले जो हॉल होते हैं उनमें आपने देखा होगा तो मेटल का छोटा छोटा सा हॉल में अंदर लगा होता है, उसे कहते हैं बफ्रिकेटेड रिवेट, उसमें भी दोनों तरफ से आपका मुड़ा हुआ होता है, ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, इंसुलेटेड रिवेट भी इनकरेक्ट हो जाएगा, बीच द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का, कठोरता किसी सामग्री का सहन करने योग्य गुण है, कठोरता क्या क्या सहन कर सकता है, आपका इंडिटेशन सहन कर सकता है, बियर एंड स्क्रैचिंग आपको सहन कर सकता है, आप अब्रेशन भी पर सहन कर सकता है, तो ऑल ऑफ द एबव आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर का है, वह तापमान जिस पर स्टील की संरचना पूरी तरह से ऑस्टेनाइट में बदल जाती है क्या कहलाता है, तो आपका जो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है उस पर बदलना स्टार्ट होती है, लेकिन यहाँ पर बोला गया पूरी तरह से बदल जाए, तो पूरी तरह से आपका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर जब पहुँचती है पूरी तरह से ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर में बदल जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर 36 में बोला जा रहा है, मशीन के दौरान निम्नलिखित में से किसका उपयोग PPE के रूप में किया जाता है, तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में क्या आता है आपका, ना तो हैमर आता है, ना ड्रिल बिट आता है, ना ये रैचेट आता है, आपका गॉगल्स आता है, तो इज द राइट आंसर हो जाएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी नहीं, क्वेश्चन नंबर 27 है, तो नीचे दिखाया गया शीट मेटल C1 का प्रकार है, ये आपके लिए बताना है, तो यहाँ पर आपने अगर ध्यान से निमी का बुक पढ़ा है तो उसमें स्पष्टली यहाँ पर दिया है ये फिगर, चार फिगर दिए गए हैं यहाँ पर C1 के, शीट मेटल में आप जाइएगा C1 चैप्टर में, इस प्रकार से आपके चार फिगर दिए गए हैं और उनके नीचे यहाँ पर नाम लिखा गया है, तो ये जो फिगर है इसका नाम है आपका, यहाँ पर देखिए मैं बताता हूँ आपके लिए, इसका जो नाम है वो है बीडेड डोफटेल सीम, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है, 100% बीडेड डोफटेल सीम। यहाँ पर अगर आपको चेक करना है तो आप निमी की बुक में जाकर देख सकते हो, आपको एक फिगर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा ड्रिल के अधिक गर्म होने का कारण नहीं है, यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा, नहीं है बोला है, कौन सा कारण नहीं है, जब फीड रेट हम अधिक रखेंगे तो बिल्कुल ड्रिल गर्म होगा, क्लियरेंस एंगल इनकरेक्ट होगा तो बिल्कुल गर्म होगा, पॉइंट एंगल इनकरेक्ट होगा तो गर्म होगा, लेकिन ड्रिल इज शार्प एनफ, ड्रिल काफ़ी तेज है इसमें गर्म नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का, यहाँ पर बोला गया है द शीट मेटल लेप सीम इज मेड बाय लेपिंग द एज ऑफ वन पीस ओवर द अदर पीस
विच एमंग द फॉलोविंग रिप्रेजेंट ए संक, यहाँ पर संक लेप कन्फिग्रेशन, यहाँ पर संक लेप के बारे में जो चार फिगर हैं, संक लेप का कौन सा फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपके लिए बताना है। तो आप ए बी निमी की बुक में स्पेशली दिया गया है, और जो संक लेप है वो ऑप्शन नंबर डी का जो फिगर है, इसे हम कहते हैं संक लेप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर बोला गया है एज पर आई एस 1219 शॉर्टेज ऑफ न्यूमेटिक कंपोनेंट इज रिप्रेजेंट विद अ सर्कल, तो सर्कल किसको रिप्रेजेंट करता है वो आपके लिए बताना है। तो जो ड्रायर होता है वो आपका ट्रेपेजोइडल यानी कि स्क्वायर होता है, इस प्रकार से आपका ड्रायर यहाँ पर होता है इस प्रकार से। तो ड्रायर तो आपका सर्कल में नहीं रिप्रेजेंट हो रहा है। पाइपिंग में आपका अलग अलग सिंबल होते हैं, जैसे कि बेंट हो गया, एल्बो हो गया, क्रॉस हो गया, यूनियन हो गया, पाइपिंग का अलग सिस्टम है। ये भी आपको गोल में नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, सर्कल में नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो रिजर्वायर जलाशय होता है वो अपना टैंक इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये भी आपका नहीं है। तो कंप्रेसर का अगर आप सिंबल देखोगे, कंप्रेसर में सर्कल के रूप में इस प्रकार से होता है, सर्कल के रूप में कंप्रेसर का यूज करते हैं, कंप्रेसर के सिंबल में सर्कल आता है। तो इसलिए आपका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, 100% ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का। यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन 600 से 700 के बीच पिघल जाता है। तो एल्यूमिनियम जो होता है, एल्यूमिनियम का गलनांक 660 होता है, तो 660 600 से 700 के बीच में आ रहा है, इसलिए बीच द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर का। उस मशीन टैप का नाम बताइए जिसमें सर्पिल नाली है जो टैप किए जाने वाले छेद से चिप्स को बाहर लाएगी। तो यहाँ पर सर्पिल नाली यानी कि हेलिकल स्पाइरल फ्लूट बने हुए हैं, तो वो हमारा कौन सा टैप होता है, हेलिकल फ्लूटेड टैप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर का। यहाँ पर बोला जा रहा है टिन मैन के एल स्कोर को मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर नहीं बोला गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, यह कठोर स्टील का एक एल आकार का टुकड़ा है जिसके किनारे पर अंशांकन के निशान होते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये सही है। इसका उपयोग किसी भी आधार रेखा के समांतर रेखा में अंकन करने के लिए किया जाता है। समांतर रेखा में नहीं करते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ पर देखिए लंबत में, ये भी सही है आपका, लंबत में कर सकते हैं। और एल स्क्वायर की जीव और शरीर के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, टंग और ब्लेड होता है उसके बीच का कोण 90 डिग्री होता है, ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, लेकिन एल स्क्वायर के बारे में गलत कथन है। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का आपकी स्क्रीन पर है। एक ड्रिल के लिए ओस्ट के कोण की शुद्धता और ओस्ट की लंबाई की समानता की जांच करने के लिए किस उपकरण का यूज करते हैं। तो ड्रिल एंगल गेज का यूज करते हैं, ड्रिल एंगल गेज का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर का। किसी ट्यूब के सिरे के चारों ओर धातु की एक पट्टी को ऊपर उठाने की प्रक्रिया के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है, ताकि ट्यूब का उपयोग सिरे पर नली को पकड़ने या ट्यूब सिरे को मजबूत करने के लिए किया जा सके। यहाँ पर देखिए, अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो इसका आंसर दे सकते हो। अगर आपने कभी पाइप को देखा, अगर आपने पाइप को देखा होगा, जो हमारा पाइप होता है वो हमारा जो सिरे पर थोड़ा सा इस प्रकार से उठा हुआ रहता है, ताकि हम दूसरे पाइप को यहाँ पर लगा सकें। ठीक है, दूसरे पाइप को यहाँ पर लगा सकें, इस प्रकार से जॉइंट कर सकें। तो ये जो होता है उसे क्या कहते हैं, तो हम जनरली देसी भाषा में इसे गोट कहते हैं, गोट लगाना। तो यहाँ पर इस इंग्लिश में बीडिंग दिया ही गया, तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। ना हम क्रिम्पिंग कहते हैं, ना ब्रीचिंग यहाँ पर कहते हैं, ना बरिंग कहते हैं। तो यहाँ पर गोट लगाना यानी कि बीडिंग इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर का। निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का गलनांक सबसे कम है, इसमें बताना है, नाइक्रोम का या इस्पात का या टंगस्टन का या कॉपर का। तो यहाँ पर कॉपर का होता है 1083 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और नाइक्रोम का होता है 1400 के लगभग, यहाँ पर टंगस्टन का होता है 3300, और आपका स्टील का होता है 1560 से और 1580 के लगभग। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सबसे कम किस में, कॉपर का, तो कॉपर बीज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पर है। त्वरित वापसी तंत्र का उपयोग सीपर मशीन में के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, कौन सी गति उसमें होती है। यहाँ पर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इज यूज्ड इन सीपर मशीन फोर, प्रत्यागामी गति के लिए, प्रत्यागामी घूर्णी गति के लिए, प्रत्यागामी और रोटरी इनमें स्कूल है। तो यहाँ पर रोटरी यानी कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन के लिए करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है आपकी स्क्रीन पर। ये तो पूरा का पूरा न्यू क्वेश्चन बैंक है, उसमें दिया गया उसका उठा कर रख दिया, ये आपको कैम क्लैम पे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, बोला गया विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्फेस हार्डनिंग मेथड। बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ पर कौन सा नहीं है, यहाँ पर नाइट राइडिंग हमारा सर्फेस हार्डनिंग है, हाकी हार्डनिंग सर्फेस हार्डनिंग है, फ्लेम हार्डनिंग सर्फेस हार्डनिंग है, लेकिन यहाँ पर पिकलिंग हमारा सर्फेस हार्डनिंग ऑपरेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये भी आपका न्यू की बुक में स्पेट दिया गया, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्लग। ठीक है, निप्पल कैप या कपलिंग, यहाँ पर ये जो आपका फिगर दिया गया इसे हम प्लग कहते हैं, ये पाइपों को बंद करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर का। जंगरोधी स्टील का घनत्व 8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, पानी का घनत्व 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, इसलिए इस्पात का विशिष्ट गुरुत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी बताना है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपके लिए बताना है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला जो होता है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट दिया गया है, जो भी आपका जॉब यहाँ पर दिया गया, उसका घनत्व सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस पानी घनत्व, तो 4 डिग्री सेल्सियस पानी घनत्व 1 दे दिया गया, इसलिए आपका यहाँ पर 8 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 48 है, उच्च चाल इस्पात में उच्चतम मिश्र धातु कौन सी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पर है, विच इज द हाइएस्ट एलोइंग एलिमेंट इन हाई स्पीड स्टील में
हाईएस्ट सबसे ज़्यादा क्या मिला होता है, तो 18% हमारा होता है टंगस्टन, 4% होता है क्रोमियम, 1% होता है बेनेडियम, 18 4 1 5 होता है, तो यहाँ पर टंगस्टन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 आपके स्क्रीन पर, 1 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर क्षेत्र पर 5 मेगापास्कल का दाब लगाया जाता है, बल की परिकल्पना करें। तो ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर आपने यहाँ पर कोई क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया, यानी कि SDSC में भी शायद ये आपको मिल जाएगा, और विक्रम साराभाई के स्पेस सेंटर वाले क्वेश्चन में भी ये मिल जाएगा, एक क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है यहाँ पर। अगर आप इसका निकालोगे सेंटीमीटर में, फिर मेगा पास्कल को आपको न्यूटन में बदलना है, देन उसके बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, क्षेत्रफल का और यहाँ पर मेगा पास्कल का न्यूटन में बदलने के बाद, और इसको आप मीटर में बदलने के बाद, क्योंकि न्यूटन मीटर इसकी इकाई होती है, ठीक है, बदलने के बाद आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी 3000। क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन पर है, बड़े पैमाने पर उत्पादन विधियों का उपयोग करके निर्मित ऐसे घटकों की जांच करने का सबसे किफ़ायती तरीका क्या है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आकार निर्धारित सहनशीलता के भीतर है। तो हम जब भी मास प्रोडक्शन करते हैं उसमें हम जो भी जॉब बनते हैं उनको चेक करने के लिए, पार्ट्स को चेक करने के लिए हम गेज का यूज करते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाता है सीमा गेज का उपयोग, यानी कि लिमिट गेज का यूज हम करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है आपकी स्क्रीन पर, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना सब्सक्राइब, और चैनल को नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वीडियो बनाने में तो बहुत ही मेहनत लगती है, आपको पता ही होगा। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 51, मान लीजिए कि 3 धातु की सीट को 4 mm की रिवेट का व्यास की 10 रिवेट को जोड़ा गया है, यदि रिवेट ट्रेनल अकूपण में है, ट्रेनल दुई नल यहाँ पर बोला गया, इन रिवेट इफेक्टिव डबल सीयर फोर्स में है, डबल सीयर में है, तो वर्ग मिलीमीटर में क्षेत्र जिस पर भंग होती है, जिस पर टूट जाएगी, वो आपके लिए बताना, फेलियर ऑकर्स बताना है। तो यहाँ पर देखिए ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर लगाया है तो उसमें ये क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन उसमें डबल सीयर नहीं दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब इसका क्षेत्र पर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, पाईआर स्कोर हो जाएगा। यहाँ पर इसका कितना दिया गया व्यास, यहाँ पर दिया गया है कितना, 4 mm की रिवेट के व्यास की 10 रिवेट है, तो 4 mm आपका व्यास दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आपका पाई कितना दिया गया है, पाई का पाई, यहाँ क्योंकि पाई में ही ऑप्शन है, यहाँ पर 4 का हो जाएगा 2, रेडियस हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा 1 रिवेट का आ जाएगा 4 पाई, लेकिन यहाँ पर 10 रिवेट है तो यहाँ पर 40 पाई आ जाएगा, कितना आ जाएगा 40 पाई। फिर यहाँ पर बोला गया है कि यदि रिवेट डबल अपरूपण में है तो वर्ग मीटर में प्रभावी क्षेत्र जिस पर भंग होगी, जिस पर टूट जाएगी, तो यहाँ पर डबल में है यानी कि डबल सीयर में है, तो 40 पाई और इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा आपका 80 पाई इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर का, साप और छेद के बीच अधिकतम अंतराल किसमें किसके अनुरूप होता है। तो अभी ये क्वेश्चन आया था जो अपन ने अभी तक अभी उसका क्लियरेंस मैक्सिमम क्लियरेंस निकाला था, उसी का ये क्वेश्चन दूसरी भाषा में है, आपको बता देना है, छेद के लिए न्यूनतम गलत हो जाएगा, अधिकतम बताना है, अधिकतम क्लियरेंस बताना है, तो छेद के लिए अधिकतम सामग्री एक स्थिति और साप के लिए न्यूनतम सामग्री, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 आपकी स्क्रीन पर है, इसमें बोला गया है कि डेटम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है, गलत बताना था। इसमें दिया गया ऑप्शन नंबर ए में, कार्य वस्तु में आयामों को स्थानांतरित करने के लिए डेटम संदर्भ का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। मार्किंग टेबल सतह प्लेट कोण प्लेट भी ब्लॉक समांतर ब्लॉक डेटम के रूप में काम करते हैं, बिल्कुल सही बात है। किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए 2 डेटम संदर्भ की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है। डेटम को हमेशा कार्य की केंद्र रेखा यानी कि सेंट्रल लाइन के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए, ये गलत बात है, कभी भी डेटम लाइन को हम सेंट्रल लाइन के रूप में परिभाषित नहीं करते हैं, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किसी औद्योगिक या कार्यशाला तल सुरक्षा यानी कि दिशा निर्देश के तहत सुरक्षा अभ्यास के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, ठीक है। अब सेफ्टी के बारे में इनकरेक्ट बताना यानी कि नहीं किया गया है, तो यूज द करेक्ट टूल फॉर द जॉब, ये तो सेफ्टी का आधार है, सही बात है। कट द हेयर शॉर्ट, शॉर्ट बाल रखना चाहिए, सही बात है। जब मशीन चल रही हो तो उपकरण या कार्यखंड को सावधानी समझ करना चाहिए, चलती हुई मशीन में कभी भी जॉब पर छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, ये हमारी सेफ्टी का उल्लंघन है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा छेद और साफ जोड़ी के लिए अनुयोजन के प्रकार को दर्शाता है, देखते हुए कि छेद इतना है और साफ का जो साइज है वो इतना है, यहाँ पर आपके लिए क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ फिट, कौन सी फिट है ये आपके लिए बताना है। तो आप जब इसका अलाउंस क्लियरेंस अलाउंस निकालोगे उसके बाद ही आपको फिट का मालूम चलेगा कितना है। तो यहाँ पर देखिए अपना हॉल कितना दिया है 45 प्लस 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 में, तो यहाँ पर 0.4 आ जाएगा, ये आपका हॉल का यानी कि मैक्सिमम साइज है। इसके बाद साफ्ट का मिनिमम अगर निकालते हैं तो साफ्ट का यहाँ पर मिनिमम कितना है 45.0, यहाँ पर 6 दिया या 5 दिया गया सही से नहीं दिख रहा है, यहाँ पर शायद 6 दिया गया है, तो यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पर 4.0, यहाँ पर 6.6 यानी कि नेगेटिव में आ रहा है, तो नेगेटिव में जब भी आता है तो हमारा इंटरफेरेंस फिट होता है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 आपकी स्क्रीन पर है,
24H8 के क्षेत्र के लिए न्यूनतम सीमा, एक हॉल के लिए न्यूनतम सीमा हमारी जीरो होती है, क्योंकि जो जीरो लाइन पर हमारा हॉल इस प्रकार से होता है, हमारी जीरो होती है हॉल की लोअर लिमिट, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 24.00। और क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तन तल का वांछनीय गुण नहीं है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ कटिंग फ्लूड, कटिंग फ्लूड की डिजायरेबल प्रॉपर्टी नहीं है बोला गया है। यहाँ पर जंग प्रतिरोध बिल्कुल होता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं होता है, यहाँ पर है रिलेटिवली हाई विस्कोसिटी होती है, नॉन फ्लेमेबल होता है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी नहीं होता है हमारा। आप देखना जो भी हमारा फ्लूड होता है उसमें आर पार नहीं दिखता, पानी में तो दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए एक क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर का, इसमें बोला जा रहा है टर्म रॉकवेल इज एसोसिएटेड विद, जो रॉकवेल शब्द वो किससे संबंधित है, वो हार्डनेस से संबंधित है, रॉकवेल बिनर्स, यहाँ पर बिनर्स होती है एक, एक होती है ब्रिनेल और एक होती है रॉकवेल, एक होती है सोर, तो इसलिए बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ये हार्डनेस टेस्टिंग की मेथड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 59 नंबर का रिपीटेड क्वेश्चन है, M16 × 1.5 mm 6H के आकार में चूड़ी के लिए 1.5 क्या दर्शाता है, तो थ्रेड ऑफ पिच यहाँ पर दर्शाता है, पिच यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 आपकी स्क्रीन पर है, 50 mm बोर को, यहाँ पर 50 mm बार को 15.7 मीटर प्रति मिनट पर काटने के लिए स्पिंडल का RPM ज्ञात करें। आसानी से आप RPM को ज्ञात कर सकते हो, यहाँ पर RPM का सूत्र क्या होता है आपको पता ही होगा, 1000 × कटिंग स्पीड बटे यहाँ पर हो जाएगा π × d, इसमें आप मान रख देना, इसका आसानी से आपका निकल के आ जाएगा, निकाल के हम देखते हैं कितना आता है। यहाँ पर 1000 हम रख लेंगे, यहाँ पर हम कटिंग स्पीड कितनी दी गई है 15.7 दी गई है, यहाँ पर पाई का मान रख लेते हैं 3.14 और इसका हम डी रख लेते हैं 50 mm, इसको आप सॉल्व करोगे, जैसे कि यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 × 10, यहाँ पर 20 आ जाएगा, और अपना यहाँ पर 10 यहाँ पर आ जाएगा, एक कट जाएगा, यहाँ पर आप सॉल्व कर लेना, यहाँ पर सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो जो भी आपका निकल के आ जाएगा वो आपका सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 61 नंबर का, 61 नंबर क्वेश्चन है, 24 kg इस्पात चादर की तुलना 20 kg इस्पात चादर आपकी कितनी होगी, थिकर होगी मोटी होगी, जैसे कि गेज की संख्या घटती जाती है आपकी जो सीट की साइज बढ़ती जाती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। ए भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ए क्वेश्चन शायद अभी जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का अभी एग्जाम हुआ था SAC, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा मेरे को थोड़ा ध्यान है, ये बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, फिकर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, विंग नट के बारे में सही कथन बताओ, सही कथन कौन सा है, पंख नट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो ये है इजी ऑफ इंस्टॉलेशन एंड डी असेंबली, यानी कि इसको लगाना और निकालना सरल है, सही है, लूजनिंग एंड टाइटनिंग विदाउट एंड नीड द नीड द फोर टूल, कोई भी टूल की हम इसे लूजनिंग टाइटनिंग कर सकते हैं वो सही बात है, यूज टू फिक्स ब्लेड इन एक्स्ट्रा ब्लेड सही बात है, तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। विंग नट के बारे में चारों तीनों क्वेश्चन आपके ऑप्शन आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 63, IS 2494 के अनुसार एक वी बेल्ट का IS नंबर 2494, C3048 IS 2494 के रूप में अभिहित किया गया, इसे संज्ञा सी का क्या महत्व है, तो सी किसको रिप्रेजेंट करता है ये आप लिए बताना है, तो सी जो है वो बेल्ट की क्रॉस सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ऑप्शन नंबर डी मिल जाता है, यह वी बेल्ट के क्रॉस सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0.2 को माइक्रोन बदलना है, तो 0.2 है mm है, m को हम जब 100 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा, 200 निकल के आ जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि इन आ डाइग्राम शोइंग न्यूमेटिक लैंड वोल्टेज व्हाट डज द सिंबल शो प्रेजेंट, यहाँ पर ये सिंबल दिया गया है किसको रिप्रेजेंट करता है ये आपके लिए बताना है, ठीक है। ये सिंबल जो है आपको ड्रायर को रिप्रेजेंट करता है, और जो आपका मैंने अभी आपके लिए बताया कि आपका जो फिल्टर होता है वो आपके इस प्रकार से होता है, ठीक है, इस प्रकार से फिल्टर, यानी कि जो फिल्टर हो ये तो हो गया आपका लुब्रिकेटर, लुब्रिकेटर का जो होता है ऑप्शन यानी सिंबल इस प्रकार होता है, फिल्टर का इस प्रकार होता है, देखिए मैं आपको बता दूँ, फिल्टर का एक ऐसी लाइन होगी डॉट डॉट करके, यहाँ पर आधी लाइन होगी डॉट डॉट करके, वो आपका फिल्टर होता है, ये आपका ड्रायर का सिंबल है, नेवी के रूप में दिया गया है, अच्छे से देख लेना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाशीय माप मशीन है, यहाँ पर प्रकाशीय माप मशीन है, पर बर्नियर के लिए पर तो नहीं है, यहाँ पर प्रोफाइल प्रोजेक्टर, हाँ प्रोफाइल प्रोजेक्टर आपका प्रकाशीय माप मशीन है, डिजिटल हाइट गेज नहीं है, स्क्रू नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी निमिक के क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएगा, देख लेना, व्हाट डज द फॉलोइंग बर्निंग साइन, ये आपका लेजर बीम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर का क्वेश्चन है, समान आयतन के लिए इनमें से हल्का कौन है, हल्का सबसे स्टील रूल, तो स्टील हल्का नहीं है, टाइटेनियम इलेट, सबसे हल्का आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा, क्योंकि इसका 2.7 होता है डेंसिटी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर का यहाँ पर है। 69 नंबर में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर देखिएगा, रिबिटन में लेजी चिमटा यानी कि लेजी टोंग का क्या कार्य है। लेजी टोंग एक, उसमें बहुत सारी स्प्रिंग ऐसी लगी होती हैं, इस प्रकार की लेजी टोंग होती है, देख लेना, नेमी के बुक में दिया गया है। तो यहाँ पर लेजी टोंग क्या है, तो लेजी टोंग के बारे में बताना है। रिबिटन के बाद प्लेटो किनारों पृष्ठ को दबाने के लिए, धातु से धातु को जोड़ बनाने के लिए, प्लेटो किनारों रिबिट को शरीर बंद करने के लिए, रिबिटिंग के दौरान रिबिट के अंतिम आकार बनाने के लिए, मानक प्रतंत्र के ब्लाइंड रिबिट्स स्थापित करने के लिए। तो यहाँ पर जो है आपका धातु से धातु जोड़ बनाने के लिए, यहाँ पर ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, रिबिटन के बाद प्लेटो किनारों को पृष्ठ दबाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन है। एक्सटिंग्विशर मीडिया फॉर ए क्लास फायर, तो ए क्लास फायर जो है वो जल यानी कि वाटर यूज करते हैं, उसको आप बुझाने के लिए, ए क्लास फायर को बुझाने के लिए वाटर का यूज कर लेते हैं। व्हाट इज द टॉलरेंस वेंट फॉर होल जनरेटेड बाय रीमर्स कॉमनली यूज्ड इन वर्कशॉप, यहाँ पर बोला गया है कि आमतौर पर कार्यशाला में उपयोग किए जाने वाले रीमर द्वारा उत्पन्न छेद के लिए सा वेंट क्या है, ये आपके लिए बताना है। तो इसका जो ऑप्शन यानी कि क्वेश्चन है, ए थोड़ा अपर लेवल का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, H7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। एक नियमित षटकोण की प्रत्येक भुजा 15√3 mm WCS क्वेश्चन है। यहाँ पर WCS का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको अगर आपने WCS पढ़ी है तो उसमें दिया गया, देख लेना, यहाँ पर बोला गया है षटकोण को मशीन के आवश्यक छड़ का गोलाकार व्यास क्या है। देखिए, ईच साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज 15.3 दी गई है। व्हाट इज द सर्कम सर्कल डायमीटर ऑफ रोड रिक्वायर्ड टू मशीन, तो सर्कम सर्कल जो सर्कम सरफेंस का सूत्र होता है वो होता है √3a, और आपका ईच साइड कितनी दी गई है, √3 दी गई है, यहाँ पर 15√3 दी गई है। ठीक है, तो √3 से √3 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, नहीं यहाँ पर देखिए, सॉरी गाइस, यहाँ पर मैं बताता हूँ, ये √3 है आपका, और ए का मान कितना दिया गया है, 15√3। ठीक है, तो √3 का जब मल्टीप्लाई होगा तो 15 यहाँ पर 45 निकल के आना चाहिए। 45 ऑप्शन में है क्या, 45 तो ऑप्शन में नहीं है, 45 तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो आपका निकल के क्या आएगा, यहाँ पर देखिएगा, मेरे हिसाब से इसका 45 निकल के आना चाहिए आंसर, लेकिन 45 ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है, तो यहाँ इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आदिवृत्त का अंतर्गत कोण क्या होता है, व्हाट इज इंक्लूड एंगल ऑफ हाफ सर्कल, हाफ सर्कल कितना होता है, 180, पूरे का 360 होता है, तो आपका 180 हो जाएगा। 74 नंबर का है, सेट संख्या 1 के लिए BIS सेट सेंसर को प्रणाली ब्लेड की न्यूनतम मोटाई क्या होती है, यहाँ पर फीलर गेज के सेट की 1 की यहाँ पर ब्लेड की मोटाई बताना है, तो 0.1 होती है, कोई भी सेट हो ब्लेड की मोटाई 0.1 होती है। 75 नंबर का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक औजार कठोरण की तकनीक है जो 2 चरणों में की जाती है, अर्थात कार्बोराइजिंग और ताप उपचार, यहाँ पर कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो 2 चरणों में की जाती है, सर्विस हार्डनिंग टेक्निक विच इज प्रेफर्ड इन 2 स्टेज, कार्बोराइजिंग एंड हीट ट्रीटमेंट, तो यहाँ पर आपकी यहाँ केस हार्डनिंग है या आपकी है पिकलिंग एंड पेसिवेशन या फ्लेम हार्डनिंग या इंडक्शन हार्डनिंग, 2 चरणों में कौन सी की जाती है, आपकी की जाती है केस हार्डनिंग, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर का यहाँ पर है, यहाँ पर बोला गया है व्हाट इज द मेजरमेंट एक्यूरेसी ऑफ अ मैनुअल डेप्थ माइक्रोमीटर, मैनुअल डेप्थ माइक्रोमीटर कि यहाँ पर मेजरमेंट एक्यूरेसी कितनी होती है, 0.01 होती है माइक्रोमीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग अ सरफेस प्लेट, सरफेस प्लेट बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है, रॉट आयरन बिल्कुल यूज नहीं करते हैं, कास्ट आयरन एंड ग्रेफाइट, हाँ बिल्कुल सही है, कास्ट आयरन एंड ग्रेनाइट यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर का क्वेश्चन है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इज यूज्ड फॉर, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में क्या यूज किया, उपयोग क्या है, कहाँ पर किया जाता है, तो मेकिंग कॉम्प्लेक्स से जटिल आकार बनाने के लिए, प्रक्रिया को कम करें, रिड्यूस द प्रोसेस टाइम, कॉस्ट रिडक्शन, योजक निर्माण का उपयोग किया जाता है, एडिटिव का उपयोग हम ये सभी काम हमारे, अगर हम एडिटिव का यूज करते हैं तो हमारे जो सभी हैं यहाँ पर, चाहे आपका मेकिंग कॉम्प्लेक्स से हो, रिड्यूस प्रोसेस टाइम, एडिटिव एक यानी कि लिक्विड टाइप होता है, उसको हम किसी धातु को जोड़ने में यूज करते हैं, बीच में से डाल देते हैं, उसके बाद उसके ऊपर धातु रख देते हैं तो वो जुड़ जाती है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डी इज द राइट आंसर, इसमें हम हमारा टाइम बचता है, लागत भी कम आती है, वो सस्ता ही आता है, वो जटिल आकार हम इसको बना सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, काले रंग का उपयोग किसको रंगने में करते हैं, तो ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसे होता है, ब्लैक काला, तो क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर का क्वेश्चन है, गुनिया का उपयोग के लिए किया जाता है,
तो जो हम जो हमारा ट्राई स्क्रू होता है उसका हम कहाँ पर उपयोग करते हैं, फ्लैटनेस चेक करने में या लंबता की जांच, परपेंडिकुलरिटी जांच करने में या चेक सरफेस फिनिश या चेक कॉन्सेंट्रिसिटी, हम उसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं? संकेंद्रता जांचने के लिए नहीं करते हैं, स्थायी प्रस्कृति जांचने के लिए नहीं करते हैं, परपेंडिकुलरिटी जांच करने के लिए और फ्लैटनेस चेक करने के लिए यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ परपेंडिकुलर सही से है कि नहीं वो भी हम जांच कर सकते हैं ना यहाँ पर। वो फ्लैटनेस तो हम स्ट्रेट से जांच करते हैं। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होना चाहिए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा। बाकी इसके आंसर की आएगी तो उसमें सही पता चल ही जाएगा किसको कौन सा कौन मान रहा है। इसमें बहुत सारे इसको ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें बहुत सारे आंसर गलत देगा और पेपर जो है वो लीक भी हो गया है, क्योंकि लीक नहीं बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे हैं जो एग्जाम देने गए थे कि दो स्टूडेंट को पुलिस ने चीटिंग करते हुए पकड़ा है। तो कैंसिल हो सकता है कि नहीं हो सकता, अब वो तो डिपार्टमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि क्या होगा। और बाकी इसके कट ऑफ के बारे में हम एक सर्वे करेंगे, उसके बाद आपके कट ऑफ के बारे में इसका बता पाएंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो का पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि मैंने इसमें बहुत मेहनत की है। बहुत मेहनत करने के अलावा आपको ओनली 49 मिनट में 80 क्वेश्चंस को डिस्कस कराया है, जो कि आप वीडियो देख लेना, कोई भी वीडियो कोई भी चैनल ने इतनी शॉर्ट टर्म में आपके लिए डिस्कस नहीं कराया होगा विद सॉल्यूशन के साथ। तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बार्क के लिए बार्क BARC बार्क एंड NPCIL के लिए हमारा ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है, उसको आप उसके लेक्चर डेली आते हैं, क्लास डेली आते हैं, तो देखते रहिएगा, वो लेक्चर आपको डेली आते रहेंगे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।